أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه محترمنا و وسامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हकूक़ फ़राय जिस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तकबाल हैं पिछले दरूस में बात चल रही थी बीमार के हकूक़ के ताल्लुक़ से बीमारी के फ़वाद यादत की अहमियत उसकी फ़दीलत यादत के आदाब ये चंद बातें जो हैं अदीस की रोशनी में हमने सुनी हैं आज का जो हमारा दर्स है बीमारी के सिलसिले में चंद अहम हिदायत और इस्लामी तलीमत सबसे पहली बात यह है कि बीमारी के सिलसिले में जो फदा फदाइल हमने सुने हैं उसके जो फ़ायदे दुनियावी उबी हमने सुने उसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान जो है अल्लाह से बीमारी तलब करें या अल्लाह ताला अगर किसी को बीमार कर दें तो उसके लिए जो है कोशिश ना करें उसके इजाले की फिक्र ना करें उसके लिए इलाज ना करें बल्कि इस्लाम ने तालीम दी है कि जब कभी कोई भी मुसलमान छोटी या बड़ी बीमारी में मुबला हों तो उसको ख़त्म करने के सिलसिले में उसके इज़ाले के सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करें इलाज कराएं, लोगों से मशवरा करें ख़ास तौर से जो अतिबा होते हैं उस फन में जो माहिर होते हैं उनसे रजू करें अल्लाह के नबी वसल्लम ने फ़रमाया मन सल्लिन अशा कि अल्लाह तु बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की जिसकी शिफा मौजूद ना हो बल्कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ताली ने रखी है उसको जानने वाले जानते हैं और जो उससे जाहिल रह जाए वो जाहिल रहते हैं इसी तरह बाज़ लोग जो हैं इलाज कराने को बीमारी के इज़ाले की कोशिश को जो है तो के ख़िलाफ़ समझते हैं तोल ये नहीं कि हम बीमार हों तो फिर अल्लाह पर भरोसा करें ये कहें मुझे अल्लाह पर भरोसा है अल्लाह शिफा देंगे ये तोल की मुनाफी चीज़ इंसान असबाव इख्तियार करे इलाज के लिए जो भी मुमकिन चीज़ें हैं डॉक्टर का से मशवरा करना और उसके बाद जा जो है इलाज कराना बीमारी की जो तशीस है ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं तो के हकी मफूम में इस्बाब को इख्तियार करना यह तो के ख़िलाफ़ नहीं है चूँकि बादशाहबाई कराम ने अल्लाह के नबी वसल्लम से जब पूछा था इब्ने माजा की रिवायत की तवत्ब में कि अगर हम बीमारी के सिलसिले में इलाज कराएँ तो क्या उसमें कोई हरज की बात है तो अल्लाह के नबी सा ने फरमाया कि नहीं बल्कि आपने कहा तदा व इबादल्ला फ़ैन अल्लाह सुबह म यदा अनिल्लाशफ़ा अल्लाह के नबी सासम ने कहा कि अल्लाह के बंदों इलाज कराओ क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं रखी जिसकी दवा मौजूद ना हो सिवाय बीमार बुढ़ापे के एक बीमारी आपने कहा कि एक बीमारी के सिवा बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं कि इंसान बुढ़ापे में जाकर फिर जवानी उसकी लौट आए बुढ़ापा ख़त्म हो इसकी कोई इसका कोई हल नहीं है इस्लाम में अलबत के नबी सास ने इशारा किया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है तो इलाज कराएं इंसान जो भी मुनासिब दवा है उसका इस्तेमाल करें इस सिलसिले में जो होते हैं हकीम तबीब लोग उनसे जो है डॉक्टरों से मशोर करें उनसे जो मुनासिब दवा है उसका इस्तेमाल करें दुआ दवा के अलावा देखिए दुआ हैं दुआ दौ, दौ, एक अहम इबादत है और दुआ जो है बीमारी की शफा के सिलसिले में बहुत सारी दुआएँ हम जानते हैं ऐबुआ साम की दुआ अठारह साल तक अल्लाबानी रहमत ने सिलसिला सिया में ज़िक्र किया है कि सलाम की जो बीमारी थी अठारह साल तक उन्होंने उस पर सब्र किया और अल्लाह से दुआ करते रहे रहेनी मसनी वंतामिन इसी तरीके से खुद अल्लाह के नबी वसल्लम का यह मामला था कि आप सल्लम ने आपसे जो दुआओं बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं अल्लाह के नबी सा आसन दुआ करतेमैनी औरबरौसी वजुनूनी वजुज़ामी और मिनसई लसकाम चार चीज़ों से अल्लाह के नबी सा जो है पना मांगी बरस की बीमारी हैं इसी तरह पागलपन की बीमारी हैं और जुजाम की कोड़ जिससे जो है इंसान के आजा झड़ जाते हैं जुजाम की बीमारी और हर कस्म की बुरी बीमारी से जो है अल्लाह के नबी सासम ने शिफा मांगी इसी तरह अल्लाह के नबी सासम एक दुआ ये भी करते अल्लानी और भी मुनकर वमली वाई वदवा बहुत सारे बुरे अखलाक़ बुरे जो हैं ख्वाहिशात और इसी तरह बुरी बीमारियों से जो है अल्लाह के नबील आसम शफा मांगा करते थे इसी तरह अल्लाह के नबी से को जब कोई तकलीफ होती है सही बुखारी सही मुस्लिम मौजूद है अल्लाह के नबी सा आसम सुर अखलास सुर फल सर नास अपने हाथों को जमा करते उस में जो है पढ़ कर आप दम करते और अपने जिसम पर फेरा करते थे इस तरह बहुत सारी दुआएँ प्यारे नबी सली वसम से जो है मरवी हैं एक सहाबी ने आकर उस्मान बिन आस रदी अल्लाह तौने अल्लाह के नबी से से शिकायत की थी उनके जिसम में कोई फोड़ा हो गया था तो अल्लाह के नबी सास ने उनसे कहा जहाँ जिसमें जिस, जिस जगह पे तुम्हें दर्द हो अल्लाह के नबी सास ने कहा वहाँ अपना हाथ रखो तीन मरतबा बिस्मिल्लाह का और ये दुआ पढ़ो आप सास ने दुआ सिखलाई आओ ज़ुब इज़्ज़त ही वोदरती मिनशरमा अजिदो वो और हादिर हो जिसका तर्जुमा यह है मैं अल्लाह की इज़्ज़त वुदरत की पनाह में आता हूँ उस चीज़ के शर से जो मैं पाता हूँ और जिससे मैं डरता हूँ तो ये सात मरतबा जहाँ भी तकलीफ़ है बीमारी हैं हम उस पर हाथ रखें उस जगह पर तीन मरतबा बिस्मिल्लाह और यह दुआ जो है सात मरतबा पढ़ने का अल्लाह के नबी सासम ने हुम दिया है इसके अलावा बीमारी के शिफा के सिलसिले में सदक़ा व खैरत एक अज़ीम इबादत है सदक़ा व खैरात से बड़ी बड़ी मुसीबतें परेशानियाँ जो हैं ख़त्म होती हैं इस सिलसिले में बहुत सारे वाक़ तारीख़ में मिलते हैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहदस अपने वक्त के बड़े इमाम गुजरे हैं एक शख्स ने आकर जो है उसके जिस्म में कोई तकलीफ थी घुटने में जो है कई सालों से एक ज़ख्म था उसने आकर जब शिकायत की तो आप रहमत लाला ने उसने आकर ये भी कहा कि मैंने हर इलाज मैंने करवाया है तबीबों से डॉक्टरों से मैंने रजू किया लेकिन शिफा नहीं मिली तो आप रहा ने कहा कि देखो फ़लाँ कबीला है और वहाँ कबीले वालों को पानी की सख्त ज़रूरत है तो आपने कहा कि उनके लिए कुआँ खुदवाओ उम्मीद है अल्लाह से कि वहाँ पानी का चश्मा फूटे और तुम्हारा ज़ख़्म जो है ख़त्म हो जाए तो रावी कहते हैं कि ऐसा ही हुआ कि उसने ऐसा किया तो उसकी बीमारी जो है ख़त्म हुई इसी तरह हमारे असलाफ में से नेक लोगों में से ऐसे भी गुजरे हैं बहुत सारे वाक़ हैं एक शख्स का वाक़ जो है उलामा ने ज़िक्र किया है कि जब भी वो बीमार होते तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि डॉक्टर की जो फ़ीस होती उसकी कीमत और इसी तरह दवा की जो कीमत होती वो वो कीमत जो है वो सदक़ा किया करते ग़रीबों में मोहताजों में सदक़ा किया करते हो और वो कहते अपने बारे में कि अल्लाह ताला मुझे फ़ौर शिफा अता करता तो सदक़ा व खैरात यकीनन बहुत ही अहम चीज़ हैं और बीमारी से शिफा के सिलसिले में हदीस भी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में जो मरवी हैं आप सल्ला वसम जाम सग़र में अल्लावानी ने इसको ज़िक्र किया है सही रिवायत दा उमरदा कुमा अल्लाह के नबी सा ने कहा कि तुम सदक़ के ज़रिए अपने बीमारों का इलाज कराओ तो एक अहम चीज़ है इसी तरह बीमारी के सिलसिले में शरीयत ने जो बहुत सारी हमें तालीमात दी हैं उसमें से एक अहम तालीम हमेशा हर एक को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाना चाहिए कि बीमारी जो आती हैं अल्लाह के हुक्म से आती कितनी बड़ी बीमारी हो कितनी बड़ी बीमारी हो और आज के माहौल में जो बहुत सारी बीमारियां जो आज हमारे माहौल में फैल रही हैं कोरोना वायरस जो बीमारी हैं इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां कोई भी बीमारी हो अल्लाह के हुक्म से बीमारी आती और शिफा भी जो है अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है शिफा भी हमें अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती हैं इब्राहीम सलाम का अल्लाह ताला ने क़ोल नक़ल किया सूरह शुअरा में वईज़ा मरस्तुफ़ व अश्विन कहा कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह मुझे शिफा अता करता है तो बीमारी अल्लाह की तरफ से और शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से और इसी तरह बंदे को यकीन करना चाहिए कि जो दवा वो इस्तेमाल करता है चाहे दुआ के ज़रिए सदक़ा वैरात के ज़रिए या दीकर जो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है इलाज के लिए वो दवा जो है उसी वक्त असर करेगी जब रब्बुल रबालमिन का अल्लाह के हकम के बगैर कोई दवा जो है अपना असर नहीं दिखाती जब तक अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्ला वसम फरमाया सही मुस्लिम में लिकुलद इन दवा फ़ैज़ा उसीबा दवा उन दवा उदाई बर बरा अबी इदन ये आए हैं कि हर बीमारी की दवा मौजूद है और आपने कहा जब दवा मर्ज़ के मुआफ़ हो जाए बीमारी के मुआफ़ जब दवा हो जाए शिफा मिल जाए अल्लाह के हकम से जो है आपने कहा शिफा याबी हासिल होती है तो ये हकीक़त हैं बाज़ लोग आज जो हैं इस हकीकत को ना जानने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी पर सब्र नहीं करते बीमारी पर सब्र नहीं करते और हती कि बाज़ लोगों को ये देखा गया उनके बारे में सुना गया बेसब्री की वजह से गलत तरीक़ा अपनाते हैं शफा के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं उनसे झाड़ फूँका गलत तरीक़े जो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लामी तल्लीत के ख़िलाफ़ वहाँ जाकर उनसे जो है शिफा की नीयत से जो है तरीक़े अपनाते हैं जो बिल्कुल शरीत के ख़िलाफ़ हैं इस तरह नहीं करना चाहिए और बाज़ लोग हराम चीज़ों के ज़रिए इलाज कराना चाहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया सही बुखारी की रिवायत इन इलाम यह जालशफाकुम फ़ी महरमकुम कहाँ जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं उसमें तुम्हारे लिए शिफ़ा नहीं हराम चीज़ों में अल्लाह के नबी सा ने कहा कोई भी हराम तरीक़ा हो कोई भी हराम चीज़ हो जिसको हम खाएं या इस्तेमाल करें उसमें अल्लाह ने शिफा नहीं रखी है इससे परहेज़ करना चाहिए इसी तरह देखिए मौजूदा दौर में मुख्तलिफ़ाब की वजह से जो बीमारियाँ दिन दिन हम सुन रहे हैं बहुत सारी बीमारियाँ जैसा मैंने शुरू में भी इशारा किया और उसके अलावा बहुत सारे परेशानियाँ डिप्रेशन हैं टेंशन है और बहुत सारी चीज़ें जो आज लोगों में जो हैं फ़ैली हुई हैं कहीं जो है साफ़ सुथरी ना होने साफ़ सफ़ाई ना होने की वजह से आराम आ, जो है नींद की कमी इसी तरह और बहुत सारी बीमारी में लोग जो है रूहानी जिस्मानी बीमारी मुबला हैं तो वहाँ पर सही इलाज की ज़रूरत है कि हम बीमारी क्या है उसको सही उसकी तशीस करें मालूम करें कि बीमारी क्या है और उसके लिए मुनासिब जो दवा है मुनासिब जो तरीक़े इलाज हैं शरीयत ने उसकी तरफ जो रहनुमाई की है हम उसके मुताबिक जो है क़दम उठाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जैसा मैंने कहा कि आमिलों के चक्कर में और बहुत सारे जादूगरों के पीछे जो है लोग पड़े हुए हैं काहन और इस तरह के बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं कि और बहुत बाकायदा अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में और बहुत सारे जगह जो है इश्तहार भी आते हैं कि कोई भी बीमारी हो कोई भी परेशानी हो झगड़े आपस के अख्तलाफात जादू टूना नज़रबद और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि हर बीमारी से फ़ौरन जो है इलाज किया जाएगा बहुत सारे दावे हैं नौज़ बिल्ला मंदालिक ये गलत चीज़ें हैं अक्सर लोग आज इस शराह के दावे करने वाले बुरे लोग हैं और ये ख़ुद जादूगर जादूगर होते हैं और इस शराह काहन क़स्म के होते हैं रॉफ होते हैं आमिल होते हैं जो गलत तरीक़े से जो है लोगों का माल लूटने के लिए जो है ये सब काम करते हैं और वो बसा अवत हम सुनते हैं जैसा कि बात ये सुनने में आती हैं कि बास ख़वात अपनी इज्जत और नामुज़ को भी गंवा देती हैं नौज़बिल्ल उनकी इज़्ज़त का भी मसला आता है और बहुत सारी जो है बुराइयाँ यहाँ फैल रही हैं इस सिलसिले में हर एक की आ, के लिए ज़रूरी है ख़ास तौर से सरपरस हजरात के लिए निगरान जो भी हैं अल्लाह ने बनाया है उनके लिए सख्त ज़रूरत है कि इन हालात में सख्त जो है क़दम उठाएँ सही कदम उठाएँ और इस सिलसिले में जो सही तालीमात हैं इस्लाम की उसको अपनाने की जो है पूरी कोशिश करें इसी तरीके से बीमारी के सिलसिले में जो है एक पहलू ये भी है एक तालीम ये भी है कि हम शुक्र का जज्बा अपने अंदर पैदा करें शुक्र का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हमें अता किए हैं बहुत सारी नेमतें। ऐसी नेमतें जिसको हम शुमार भी नहीं कर सकते व इन तद नमत अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की नमतों को गिनना अच्छा तुम उसको बराबर गिन भी नहीं सकते शुमार नहीं कर सकते बहुत सारी अल्लाह की जो है नमतें अगर तो उस पर हमारी नजर रहें तो बंदा जो है हमेशा बीमारी में भी रहें सब्र करेगा बीमारी में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा इस सिलसिले में जो है बहुत सारे वाक़ मरवी हैं एक वाक़ा अहम वाक़ा आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करो और वह बिन जुबैर ज़ुबैर बिन अवाम अशरमबरम में शामिल हैं उनके लड़के साहेबजादेवा रहमत लाई का वाक़ हैं कि उनके पैर में एक ज़ख़्म हुआ जिसकी वजह से डाक्टरों ने मशोरा दिया कि पैर काटना ज़रूरी उसके काटे बग़ैर बीमारी जो है ख़त्म नहीं होगी और ये बीमारी पूरे जिस्म में शराय कर जाएगी फैल जाएगी तो उस वक्त उनके जिक्र ज़बान पर जो अल्फ़ाज आए और इसी तरह उसी दौरान उनका ये खबर भी मिली उनके साथ लड़के थे बेटे थे एक बेटे का इंताल हुआ उन्होंने जब सुना तो ये अलफा अपने ज़बान से अदा किए कहाँ अल्लाह तो मुझे जो है सात बेटे अदा किए थे जिनमें सिर्फ एक का इंताल हुआ बाकी जो है मेरे पास हैं सेहतमंद हैं और इसी तरह का अल्लाह तूने मेरे जिसमें जो है बहुत सारी आफ़ियत ने दी खास तौर से कहा मेरे दो पैर तूने दिए अगर एक पैर जो है जाता भी है करता है तो दूसरा पैर तो मेरे पास सही सलामत है अल्लाह इस तरह जो है उन्होंने अल्लाह आलमीन का शुक्र अदा किया कि एक पैर तो सालिम है और सात बेटे एक बेटे का इंतकाल हुआ तो कहा सात छः बेटे बखिया जो हैं बायद हयात हैं ज़िंदा हैं इस पर अल्लाह का शुक्र उन्होंने अदा की इस तरह बहुत सारी नियमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं अगर वक्ती तौर से कभी हम बीमार हो गए कोई चीज़ हमसे जो हैं, है मफकूद हो गई अल्लाह ने कोई चीज़ हमें दी थी वो वापस ले ली तो इससे हमें अफसोस नहीं करना चाहिए सब्र का मदाहरा करें उस पर अल्लाह का शिक्र भी अदा करें एक शख्स के बारे में कि वो एक वाकई ये भी नकल किया गया है मुझे याद आ रहा है कि एक शख्स ने शिकायत की कि अल्लाह तो मुझे चप्पल अता नहीं किए मुझे जूतों की जरूरत है चप्पल की जरूरत है बगैर चप्पल के मैं शिकायत शिक्यों शिकायत करने लगा रास्ते में चलते हुए देखा कि किसी का पैर कटा हुआ है तो वहाँ उसको देखकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे पैर तो सलामत है वक्ती तौर से मुझे मेरे लिए आजमाइश है कि चप्पल से महरूम हूँ लेकिन अल्लाह ने मुझे पैर दिया है इस तरह बहुत सारी नेमतें हैं अगर हम गौर करें अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ने हमें माला माल फरमाए इस तरह अगर इन चीज़ों पर नज़र हो तो हम अल्लाह के शुक्रगदार बंदे बनेंगे किचन अहम जो है तालीमात थी बीमारी के सिलसिले में इसको हमें मद्द नज़र रखना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला हमें समझने की तोफ़ीदा फरमाएँ अल्लाह ताला हर मुसीबत परेशानी बीमारियों से अल्लाह हमारी हफाजत फरमाएं जो भी मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत आजिला दायमा कामिला नसी फरमाएँ आमीन सामीन और मालीनाबलामबी असलकम वहमत ला वर्क